बेसिक एक्सेस समझता है, रो पता है, कॉलम पता है, सेल्स पता है, सेल डिफरेंस जानता है, सीट डिफरेंस जानता है, वर्कबुक डिफरेंस जानता है, इतना समझते हो, सम करना जानते हो, नहीं जानते जानते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब पता है मुझे अपने, लॉजिकल और हमारा कंडीशनल, कंडीशन कौन कौन सी होती है, और एंड इफ और नॉट, ठीक है, असाइन ऑपरेटर मुझे सब पता है मुझे। तो अगर हम बोले यहाँ से अपना कि भाई मुझे अगर उनकी ग्रेड निकालनी हो लॉजिक पे कि लिटरी में ये दे रहा हूँ, स्टिकर में बी दे रहा हूँ, 30 पे मैं अपना इसको सी दे रहा हूँ, 35 पे मैं डी दे रहा हूँ, इसलिए जवाब निकाले सर करने के लगा If a statement लगेगी ना तो बीच में करना कैसे है ना, इसमें मुझे नहीं पता, यहाँ लगा सर उसके सामने अगर जिसकी परसेंटेज इससे ज्यादा है तो ए आना चाहिए, परसेंटेज अगर इससे ज्यादा है तो वो आनी चाहिए, वो सर मतलब वैसे तो मुझे पता है कि इफ ए इक्वल टू मतलब इफ पी आर है ना परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिखा हुआ लगा, यहाँ पे कैसे लगाएगा कहाँ पे इसके बाद ग्रेड के जहाँ ग्रेड लिखा हुआ उसके नीचे लगाएगा ना यहाँ पे ना, हाँ यहाँ से लगा ना परसेंटेज बगल में तो ये भी लग रही है सर नहीं आता मुझे एक्सेल बिल्कुल भी मुझे नहीं आता तो नहीं आता से मना करते सर एक्सेल नहीं आता सर एक्सेल में मैं इसलिए उससे पूछा था क्या आता तू हाँ हाँ करे यार आ रहा है तो ये पता है कि किसका क्या नाम चल विप्पू देख सेल डिफरेंस क्या होता है बेटा वो बता जरा कौन सा सर सेल डिफरेंस क्या होता है शीट रेफरेंस क्या होता है वर्कबुक रेफरेंस क्या होता है ये कैसे लगते हैं तो हाँ हाँ तो बड़े गाना जा रहा था जैसे देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास में जो सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी डेटा को उठाते हैं तो उसको हम लोग सेल ऑब्जेक्ट के थ्रू उठाया जाता है आपका ठीक है ना तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल किसी को प्रिंट करते हो ना डायरेक्ट लिख सकते हो राम बट अगर हमने राम को किसी में लिखा हुआ है आपको बताना पड़ेगा कि राम का जो रेफरेंस नेम है वो क्या है मीन्स मैंने बोला कि मैंने ए टू में लिखा हुआ है राम आपका तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो राम है वो मेरा ए टू में आपका लाइक दिस तो पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है दैट्स द ऑब्जेक्ट ठीक है तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है राम तो यहाँ पर मुझे राम चाहिए तो मैं मुझे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू बी थ्री क्योंकि वो बी थ्री में आपका ठीक है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक कॉल सर हमारे लिए कंपलसरी बिना इसके हम लोग काम नहीं कर सकते मीन्स अगर मैं डायरेक्ट बी थ्री लिख दूँ तो दैट्स अ स्ट्रिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा ठीक है अब हम कहते हैं भाई मैंने यहाँ पे भी ले लिया मैंने यहाँ पे भी B3 ले लिया मैंने यहाँ पे भी B3 ले लिया अपना और प्रॉब्लम से हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे प्रॉब्लम क्या आएगी कल को अगर मैं यहाँ पे शाम बदलूँगा तो सब्जेक्ट शाम भी अपने आप हो जाएगा तो ना फिर आपको मैनुअली हर जगह कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी ठीक है तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट में कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता आपका इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक वर्ड है आपका ना कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स टेक अ वैल्यू विद अ रेफरेंस किसी रेफरेंस के थ्रू किसी चीज को उठाना दैट्स अ ऑब्जेक्ट आपका ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इन्वर्टेड कॉमा में B3 तो B3 क्या बन जाएगा आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा सिंपल सा आई बात समझ में नहीं आई ठीक है तो ये हमारे काम होते हैं सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस कौन है भाई इसको क्या हो गया हाँ
आज करूंगा, आज फिर या वो रुक एक मिनट अभी मैं से बात करता हूँ, तेरे को नंबर तो बात कर ले सर, रुक एक मिनट ठीक है। तो सेल ऑब्जेक्ट कॉल दी एनी वैल्यू बाय कॉलम एंड रो ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा हमारा कैंप चल रहा है। ये होते हैं फिर हमारे सेल ऑब्जेक्ट आपके, इसके बाद में आ जाते फिर हमारा शीट ऑब्जेक्ट। शीट ऑब्जेक्ट मुझे क्या बना करना पड़ता है आपका, इफ यू वांट टू कॉल वैल्यू फ्रॉम द अनदर शीट ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर कोई एक आईडी चल रही थी हमारी यहाँ पर, इस आईडी को आपको कॉल करना था अलग उस पर यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है अपना शीट का नाम, हमारी शीट का नाम है टू, और टू पे मैं कॉल करा रहा हूँ ए वन में आपका डेटा, ए टू से आपका डेटा, शीट वन में डेटा मेरा, लेकिन इज इक्वल टू कंपल्सरी आपका शीट वन ए टू बी वन में ऐसे को डेटा बी कहाँ बड़ा हुआ है टू में से बी वन में होगा इसको बोलते शीट ऑब्जेक्ट एक्सक्लेमेशन हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बोलते हैं शीट ऑब्जेक्ट, शीट ऑब्जेक्ट शीट के थ्रू डेटा कॉल करते शीट से डेटा उठा लिया बट ये तो सर स्पेसिफिक एक एक सेल का आ रहा है ना ये, तो कभी किसी को उठा सकते हैं हमारे ऊपर सारा ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप शीट का डेटा बार बार उठाते हो तो भी हो सकता है कि आपको इसको उठाने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप नाम प्रॉपर नहीं लिख पा रहे उसका, तो हम लोग क्या करते हैं इसी को आप रिनेम कर सकते हो अपना सी आई डी करके। अपना सी आई डी में क्या होगा आपका, आपको सिर्फ लिखना है इक्वल टू सी आई डी, आपको पूरा लिखने की नहीं पड़ेगी ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा क्या कहता है कि अगर मेरे पास में पूरे रेंज को अगर अपने को उठाना हो देन हाँ जी यहाँ से आप सिलेक्शन करके या तो इसका पूरा नाम दे दो अपना डेटा, अभी आपको जैसे इस शीट को चाहिए था मैं अपना हम लोग लिख देंगे पूरा सेलेक्शन कर लेंगे अपने जहाँ तक आपको डेटा चाहिए था हमारा अपना डेटा कंट्रोल आ गया सिंपल सा डायनेमिक है, हालांकि ब्लू कप तो नहीं हमारा ये बट फिर हमारा डायनेमिक रहेगा ठीक है। कल को डेटा अपडेट करोगे तो सारा क्लियर है सिंपल सा। दूसरा होता है कि डेटा आपको किसी और शीट पर मतलब एक वर्कबुक पर लेके जा रहे थे जैसे हमारा ये वाला डेटा आप लिखो फिर नई वर्कबुक को ले नहीं पर रखते ठीक है। तो इस गल तो ऐसे मैंने लिखा भाई मुझे बुक वन से चाहिए आपका क्या चाहिए शीट थ्री से डी फाइव के लिए सिंटेक्स कर रहा है उधर देखो तो बता दे बुक वन शीट थ्री एक्सक्लेमेशन डी फाइव बुक वन के बाद सब ब्रैकेट लगा दिया ठीक है। ठीक है ये वाला पार्ट इसका इतना क्लियर है yes. तो ये तो होते हमारे सिंपल से रेफरेंसेस के थ्रू डेटा कोट करना। कभी कभी हो जाता है कि जैसे आप ना जाते कुछ मेरा ऑपरेटर्स वगैरह आप किसी से कुछ जोड़ना घटाना जैसे कुछ ऐड वगैरह करना है कोई इंसर्ट करना तो मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूं तो एक तो होता है
मैनुअल जोड़ना आपका इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री कभी ज्यादा लॉन्ग होता है मेरा एक होता है सम फंक्शन के थ्रू ऐड करना है इसका को सम निकालना है ठीक है ना ए थ्री से और मुझे जोड़ना है इसको के थ्री तक ठीक है ये डायमंड जोड़ेगा तो इसमें हर रो में अलग अलग हाँ वो सिलेक्शन कर लो नीचे तक अपना कंट्रोल डी कर देंगे कंट्रोल हो गया सारे ठीक है वो भी नहीं करना तो सारा कुछ एक साथ सिलेक्शन कर लो उसे अपना ऑल्ट इक्वल दबा दो अपना क्या रहना है ऑल्ट इक्वल तो भी निकलते हैं अच्छा अपने आप प्लस कर ठीक है यहाँ पहले जाके अगर ऑल्ट इक्वल करते हैं तो ये सारा दे देगा मुझे ठीक है जैसे करने से कर दूंगा अपना इस तरह से क्लियर है इसके बाद में तो फिर आपका सब्ट्रैक्ट अगर हमें सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारा ये मैंने भी लगा सकता है फॉर्मूले उनके होते हैं जो एक से अधिक आपस में जॉइंट होते हैं जिससे प्लस कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं डिवाइड नहीं कर सकते डिवाइड में से दो वैल्यूज लेके सम कर सकते हैं इसलिए तो हमने डाला भाई आपकी सैलरी थी एडवांस दे दिया आपको टोटल कितना पे करना है सैलरी के लिए भाई 5400 एडवांस दे दिया 14200 माइनस ये ठीक है सिंपल ऐसे भी कर सकते हो उसे या फिर एक फॉर्मूला तो प्रोडक्ट नाम का ठीक है उसी वजह से आपको परसेंटेज वगैरह निकाल हाँ इसमें से अगर आपको परसेंटेज वगैरह निकाल ली है जैसे मैं डिस्काउंट वगैरह निकाल ली थी इसमें तो हम लोगों ने बता सकते हैं भाई 5% का डिस्काउंट भी चाहिए मैं तो बता सकता हूँ डिस्काउंट वगैरह ठीक है इस तरह क्लियर लाइक इसके बाद में कुछ आ जाता है हमारे पास में लॉजिकल चीज़ें आपकी जैसे अगर लॉजिक में कुछ चीज़ें बनानी अपना लॉजिक में हमारी क्या चीज़ें चलती हैं आपने का डाला भाई 70 नो चेक मोर देन 90 ये तो ट्रू रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा एक बार सिंटैक्स के लिए है इक्वल टू B25 ग्रेटर देन B सिंपल ये लॉजिक है इज इक्वल टू लेस देन 90 तो ये मैं ट्रू कर देगा ट्रू या फॉल्स दो चीजें देती है कंडीशन पास करनी हो तो अभी हम लोग लगा सकते हैं अगर वैल्यू ज़्यादा है हमारी 65 से तो आप ए रिटर्न करवाओ अदरवाइज बी रिटर्न करवाओ अपना क्लियर ये हमारा कंडीशन इसमें निकलता है ठीक है तो इसमें जो आउटपुट होता है आपका हम लोग एक तो अपने से डालते हैं या फिर आउटपुट आप इसमें से भी ले सकते हैं ठीक है सबसे बोल दिया भी अगर मोर देन 90 है तो यही वैल्यू रिटर्न करवा दो नहीं है तो कर दो नॉट अलाउड मोर देन 90 है तो B25 को रिटर्न करना है अदरवाइज नॉट मैच अब 95 लिखूंगा तो वहाँ पे 95 रिटर्न हो जाएगा ठीक है ना तो ये हम लोग इसमें काम कर सकते हैं अपना तो फाइनली अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना होगा ये जैसे कि हम लोग परसेंटेज आ गई क्या मुझे लगता है सर आप ये मतलब अपने आप को रैंडम में बताऊंगा यहाँ पर मैं डाला भाई मोर देन इक्वल टू 90 तो मुझे ए प्लस चाहिए मोर देन इक्वल टू 80 तो मुझे ए चाहिए
इक्वल टू भी होता है यहाँ पर 70 तो बी प्लस फॉर्मूला को रिपीट कर रहे हैं ना, जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें ये भी निकाल सकते हो अपना कि भाई इज इक्वल टू मोर देन, अगर मेरा 90 है जितने भी नंबर है तो उनके नंबर रिटर्न करवा लो, जितने भी मोर देन 90 होंगे वो सब निकल दे देगा। मोर देन 90 तो मुझे नहीं था, ठीक है। मैं फेल वाले निकलवाने थे, आप निकाल सकते हैं इसका प्राइस लेस देन जितने भी मेरे हैं 35, तो उसके हिसाब से मुझे ये रिटर्न करो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि आप सारे फेल वालों के साथ निकाल सकते हैं कौन कौन से नंबर वाले फेल। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे इसमें इसी तरीके से हो सकते हैं। दूसरा तो फिर हमारे कुछ फिक्स वाले हैं जिसमें आपको मोर देन लेस देन नहीं लगाना होता है। एक चलता फिर हमारा एक एंड ऑर्डर, एंड ऑर्डर अंदर एंड ऑर्डर अंदर एंड ऑर्डर ऐसे होते हैं कि बोल सलमान क्या प्रतीक शर्मा का ऐसा पता करना है, प्रतीक का भाई पूछ रहा है कि तुम बताओगे कि सुना दियो ना मुझे, मैंने इसका नंबर कॉल लिखा था, अभिजीत था नहीं बैठा पहले दिन था तो करो सर कॉल मिल रही है मेरे दिमाग में था कौन कौन आने, अब एक काम कर उसका उससे आज फोन कर, तो मेरा मॉर्निंग का तुम मेरी बात कर पहले ही बस उसको फोन कर, उसको बोल नेक्स्ट के लिए बुलाएंगे से करना मुकदमा, उसको इतना कंफर्म कर कि आपका डायरेक्ट बीबीए से स्टार्ट करना है कि एक्सेस से करना है, उतना पूछ लेना। मैं एक्सेस से कर रहा हूँ क्योंकि पहले मेरी बात हुई क्योंकि बिल्कुल नहीं हो पाया, कभी एक दिन की क्लास की तक लोकल बन गया थी, चलता फिर ब्लास्ट नेक्स्ट उससे ब्लास्ट स्टार्ट करते हैं, वीकेंड कर लेते, वीकेंड ही आएगा, अगली नहीं आएगा, कितने बजे 10 कल ब्लास्ट को 10 बजे, कल 10 बजे बोलिए, कल 10 बजे ब्लास्ट, ठीक है ठीक है। चलिए नो नो रेस हो सकते हैं, जैसे एक मान के चलिए कोई डीपी निकाल रहा है तो उसमें लगा सकते हैं कि ईयर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड ईयर इज डिवाइडेड बाय 100, सिंपल सा लॉजिक है, इतना इतना इतनी पीएचडी मत कर, सिंपल सा सीधा भाषा में कि वैल्यू should be true in each condition, simple, ठीक है। और का मतलब हमारा होता है value should be true in any one condition, simple, ठीक है। Most example हमारा हो जाता है, हम लोग login जब करते हैं तो आपको यूजर भी चाहिए होता है, पासवर्ड भी चाहिए, तो बिना इसी कर नहीं सकते हैं। बट अगर आपको पासवर्ड अपडेट करना है अपना, तो या तो आप ईमेल डालोगे या फिर उसके अंदर में अपना मोबाइल नंबर डाल, ठीक है, सिंपल सा। इतनी पीएचडी वाली कहानी नहीं सुनानी है सामने वाले को, सिंपल से कहानी खत्म करनी है, ठीक है। सिंपल हिंदी इंग्लिश मैथ में दिखा सकते हो अपना कि भैया इसमें इनके नंबर अलग अलग रखे थे, बहुत से बंदे इनमें भी लगाते हैं इफ कंडीशन एंड करके अपना ये से लेंगे, वो कोई फायदा नहीं होता, वो मतलब चीज़ होती है वो बिगर से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला लंबा करने वाली बात होती है आपकी। अब सिंपल सा रखिए भाई इक्वल टू इफ एंड के साथ, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है हमारी कितने से 80 से, और ये हमारी लेस देन कर सकते हैं उसमें अपना जो भी हमारा फिलहाल में अभी इससे ज़्यादा कर सकते हैं 80 से, तो हमारा हो जाएगा ट्रू फॉल्स, फॉल्स आ रहा है, अच्छी से देख लीजिए, जी हाँ ये हो गया हमारा एंड के लिए। और क्या कहता है आपसे, और कहता है कि इस बार ट्रू मोर देन 80, ये हमारा फॉल्स है, मोर देन 82 ये ट्रू है,
मोर देन 90 डिग्री है फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स यहाँ से करनी भैया कॉलो से आज तो सर ये सिर्फ एक ही और एक ही लोग अर्निंग कर रहे हैं बता क्या हुआ हिंदी वाला सिर्फ हमने हिंदी में लगाया सब में लगा दिया ना ये क्या कर रहा है पहले से इसमें चेक करा मोर देन 80 फॉल्स है फिर इसने इसमें चेक करा इसमें ट्रू है मोर देन 40 फिर हमने इसमें करा था दो में फॉल्स है एक में ट्रू है तो वो कहता है अगर आपका वैल्यू शुड बी ट्रू इन 91 कंडीशन बस एक में ट्रू था इसने ट्रू दे दिया अगर वैसे फॉल्स था हमने कहा अगर है तो यहाँ पर आप हो जाएंगे पास सिंपल सा अदरवाइज फेल तो यहाँ पर आप पास हो जाओगे अपना तीन सब्जेक्ट में जब एक में पास होंगे तो पास हाँ ठीक है ना और इसमें क्या था कि पूरे चाहिए उसको अपना पास अदरवाइज फेल तो इसमें एक मिनट पहले ट्रू नहीं होगा अगर समझे दो चीज को सिंगल में काम नहीं करता ना आपका इसलिए ठीक है ना तो इसमें कई सारी कंडीशन लग जाती है ये डाल दिया ये डाल दिया ये मैंने बोला मुझे मोर देन 60 चाहिए और लेस देन 70 चाहिए तो आपको पास मिलेगा अदरवाइज फेल मिलेगा ठीक हम लोग कुछ ऐसे निकाल सकते हैं और ये नहीं फेल दिखा रहा है मेरा अपना है ना और इसी को अगर आप क्या कर दोगे और कर दोगे यहाँ पर पास कर देंगे क्योंकि हमारी एक वैल्यू ट्रू हो रही है उसके अंदर में तो मैसेज करके दिखा सकते हैं क्लियर है कुछ फिर हो जाते हैं इसमें हमारी कुछ फिक्स वाली चीज़ें आपकी फिक्स का मतलब हमारा होता है कि हमने बोला